लॉकडाउन के दूसरे चरण में शुक्रवार को कोरोना वायरस के जागरूकता को लेकर मंडी में सब्जी के गाड़ियों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया, जिसके संबंध में मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव ने बताया कि गाड़ियों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लग जाने से लोगों को जागरूक करने में आसानी होगी, क्योंकि सब्जी की गाड़ियाँ हर वार्डों में जाती हैं और सब्जी बेचने में आसानी होगी। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सभी गाड़ियों में लगवाया जाएगा। महिवा मंडी में फुटकर विक्रेता की दुकान हटाए जाने के बाद एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महिवा मंडी में फुटकर मंडी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब मंडी में सोशल डिस्टेंस के पूरी तरह से पालन हो रहा है और 99% व्यापारी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा डोर टू डोर सब्जी पहुंचाने के लिए 1000 ठेले वालों को पास जारी किया गया है। जहाँ ठेले नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ से 20 मैजिक गाड़ियों से डोर टू डोर सब्जी पहुँचाई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राइन, मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, यहाँ पीछे रेट लिस्ट होता है, लोग लेते हैं भैया ये रेट देखती है। ये तो आपके गली में, आपके मोहल्ले में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आलू प्याज की दुकान आ चुकी है। चलती फिरती आलू प्याज की दुकान, आलू प्याज टमाटर अदरक लहसुन मिर्चा, आइए भाई साहब, एक एक आदमी आकर के बारी बारी से सामान लेके जाइए। कोरोना वायरस से बचने के लिए आप लोग सब लोग अपने अपने घर में बैठे रहिए। आलू प्याज की गाड़ी होम डिलीवरी आपके दरवाजे पे घर घर जा रही है। कृपया लाइन लगा के आइए, दूरी बना के रखिए, एक एक मीटर की दूरी बना के रखिए। भाइयों एवं बहनों, कोरोना वायरस से बचने के लिए आप अपने घरों में बैठे रहिए। आलू प्याज की गाड़ी आपके दरवाजे पे आ चुकी है, घर से बाहर निकल के आइए और आलू प्याज लेकर जाइए। आलू प्याज टमाटर हरी मिर्ची अदरक लहसुन सब कुछ मिलेगा भाई साहब। मेरा नाम फिरोज अहमद राइन, महामंत्री फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन गोरखपुर। पब्लिक को जागरूक करने के लिए सिस्टम लगाया गया है कि बहुत सी पब्लिक है उसमें जो पढ़ी नहीं है, उसको सुन लेंगे, सुनने के बाद रेट देखने के बाद वो सब्जियां खरीद लेंगे। कुछ शिकायतें आई हमारे पास कि सब्जियों का रेट कुछ लोग ज़्यादा ले रहे थे, इसको देखते हुए ये सिस्टम लगाया गया है ताकि पब्लिक को जानकारी भी हो जाए और फिर ऐसा देखते हुए इस गाड़ी में लगाया गया, फिर दूसरी गाड़ी में, फिर इसके बाद अच्छा रिस्पांस आएगा दूसरी तीसरी गाड़ी, सारी गाड़ियों में ये सारी चीज़ लगा दी जाएगी। और कोरोना वायरस के जो प्रति जागरूकता भी इसके द्वारा हो जाएगी पब्लिक को, एक मीटर दूरी पर रहने के लिए सारे इसमें कहा जा रहा है और डोर टू डोर सब्जियाँ सप्लाई भी हो रही है, सारी लिस्ट लगी हुई है। सर ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ जाती हैं? ये शहर में तकरीबन सारी जहाँ गाड़ियाँ जाती है, जैसे कि आपके जजेज कॉलोनी है, हीरापुरी कॉलोनी है, टीचर्स कॉलोनी है, मोहद्दीपुर है, पादरी बाजार है, राप्ती फेज 1, 2, 3, 4, 5 जो भी फेज है सारी गाड़ियाँ हो जाती है। राजेंद्र नगर जाती है गाड़ियाँ, बिछिया जाती है, बरगदवा जाती है ये गाड़ियाँ, गोरखनाथ जाती है, रसूलपुर जाती है गाड़ियाँ, सूरजकुंड जाती है गाड़ियाँ, जाफरा बाजार जाती गाड़ियाँ, इलाहीबाग जाती गाड़ियाँ, मतलब शहर के सारे विभिन्न जितने भी वार्ड है, जितने भी मोहल्ले, सारी गाड़ियाँ सब जहाँ जाती है। और जो कॉल आता है सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा हमारे पास, कहते हैं कि यहाँ पर भेज दीजिए गाड़ियाँ, वो फौरन तत्काल यहाँ रिजर्व में 2 गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तत्काल फौरन मैं रवाना कर देता हूँ। मैं अंकुश श्रीवास्तव, मंडी निरीक्षक गोरखपुर। देखिए ऐसा है, पूरे गोरखपुर में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर लोग जो है पढ़े लिखे कम हैं, तो हमने ये नई व्यवस्था एक स्टार्ट की है पब्लिक एड्रेस सिस्टम की। इसमें जो है कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं और साथ ही साथ सब्जियों के रेट जो है बरवली बोल के बताया जा रहा है। तो ये एक नई शुरुआत हमने की है, अगर सही रहा तो और भी गाड़ियों में हम इस चीज़ को जो है इन्वॉल्व करेंगे। सब्जी की वितरण प्रणाली के लिए 1000 सब्जी के ठेले हैं जो मंडी से सब्जी लेकर विभिन्न मोहल्लों में विभिन्न सड़कों पर जाते हैं और आवाज़ लगा लगा के घर पर सब्जी देते हैं।
इसके अलावा 20 ऐसी गाड़ियां हैं पिकअप वैन्स, जहां कहीं कंप्लेंट आ जाए कि यहां पर ठेला नहीं पहुंचा है तो वहां पर वो पिकअप वैन जाकर सब्जी की डिलीवरी कर देती है।